हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो अभी मैं फिलहाल आए हुए हूँ दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सर यहाँ के बारे में कम्प्लीटली आपको बता देता हूँ, उसके बाद अंदर चलेंगे, अंदर चल के ब्लॉग बनाएंगे, आपको घुमाएंगे। इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है आपका विश्वेश्वरैया मोती बाग। नॉर्मली आप इसको मोती बाग भी कह सकते हो। मोती बाग मेट्रो स्टेशन से नेशनल रेल म्यूजियम तक की जो दूरी है वो है 1.9 किलोमीटर। आप चाहो तो वॉक करके भी आ सकते हो, ऑटो या फिर रिक्शा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो वाला आपसे 10-20 रुपये ले लेगा, बाकी मैं तो वॉक करके आया था, गूगल मैप निकाला और आया चल के। मेरे को लगभग लग गए 15-20 मिनट, मुझे लग गए यहाँ तक आने में वॉक करके। नेशनल रेल म्यूजियम की जो टाइमिंग है वो है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और मंडे को ये क्लोज्ड रहता है। उस भी फिलहाल मैं अंदर नहीं गया हूँ, बाहर ही हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, मतलब मैं तब गया था बनाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं वीडियो नहीं बना सकते यहाँ पर। तो मैं इंट्रो फिलहाल बाहर ही कर रहा हूँ, फिर अंदर चलेंगे, आपको टिकट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा अंदर चल के, पूरा घुमाऊंगा अंदर चल के। जितनी यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में टिकट होती है, संडे को डबल हो जाती है। अगर 50 रुपये नॉर्मल डेज़ में है तो भाई वीकेंड पे यानी कि संडे को उसकी टिकट हो जाती है डबल, बच्चों की भी और बड़ों की भी। तो भाई सामने है इसका टिकट काउंटर और साथ ही में है वहाँ पर एंट्री गेट। तो चलते हैं, टिकट लेते हैं, आपको टिकट बताता हूँ पहले चल के। चलो भाई। भाई अंदर कोई भी टिकट काउंटर नहीं है, सारी टिकट के बारे में यहीं पर ही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना इसको। तो अभी मैं ले लेता हूँ टिकट, उसके बाद बताता हूँ यहाँ के बारे में। एंट्री टिकट जो है हमारी वीकेंड में यानी कि नॉर्मल डेज़ में है 50 रुपये, और संडे वाले दिन या वीकेंड हॉलीडेज वाले दिन, गवर्नमेंट हॉलीडे वाले दिन 100 रुपीज़ है। वहीं यहाँ पर जॉय ट्रेन अगर हमको लेनी है तो 20 रुपये, और वीकेंड या गवर्नमेंट हॉलीडेज वाले दिन 50 रुपये। वैसे ये सारी हैं, ये देख सकते हो, ये ट्रेन की जो है जॉय ट्रेन की टाइमिंग है। पहला राउंड जो है वो 10 बजे लगेगा, फिर 10:30 बजे, ऐसे मतलब ये पूरे राउंड है ट्रेन के। तो अभी मैं 1 बजे वाले राउंड में जा सकता हूँ। तो भाई बाहर मैंने देखा था कि भाई जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है उन पर भी ये खुला रहता है, बंद नहीं होता, मंडे को सिर्फ ये बंद होता है। तो इसकी जो मतलब टिकट है वो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वाले दिन या वीकेंड वाले दिन यानी कि संडे को ये 50 से 100 हो जाएगी, और ये 20 से 50 हो जाएगी। टिकट इसकी बढ़ जाएंगी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वाले दिन और संडे वाले दिन। ये वैसे तो पड़ता है चाणक्यपुरी में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। उसी के अलावा मतलब आज ट्यूसडे है तो मुझे 50 और 20 का ये पड़ा है, डबल नहीं हुआ, बड़ा नहीं मेरे लिए क्योंकि मैं नॉर्मल डेज़ में आया हूँ। तो चलते हैं अंदर। तो भाई ये इसकी एंट्री है, चल रहे हैं हम अंदर। भाई जॉय ट्रेन की जो टाइमिंग है ना वो आधे आधे घंटे के गैप में दी हुई है। तो भाई 1 बजे की अभी टाइमिंग है, 1 बजे दोबारा से चलेगी जॉय ट्रेन। तो मुझे जॉय ट्रेन में करना है राइड, टिकट ली है क्योंकि मैंने, तो जल्दी से चलते क्योंकि 1 बजने में बस 5 मिनट है। तो ये ट्रेन जा रही है, शायद यही है जॉय ट्रेन जिससे आई थिंक मैं लेट हो गया, वो चली गई यहाँ से स्टेशन से। अब स्टेशन हमारा खाली हो गया, म्यूजियम जंक्शन हमारा, भाई रेल छूट गया, अब आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड सा लगा हुआ है जिसपे मतलब सारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर इनका एक स्टैचू भी मिल गया हमें, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। बहुत ग्रेट इंसान थे जानते हो आप, जैसे कि रेल म्यूजियम, चल के देखते हैं अंदर क्या है। वाओ, यहाँ पे ट्रेन के मतलब सारे मॉडल रखे हुए हैं, मतलब हिस्ट्री से लेके आज तक के ट्रेन जो भी है सब कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जो रेल के दीवाने हैं, रेल फैन हैं, ज़रूर आओ भाई यहाँ पर। वाओ यार, क्या देख रहे हो, पुराने टाइम में मतलब किस तरह से ट्रेन चला करती थी। ये पीछे मतलब डब्बे हैं रेल के, और ये घोड़े चला रहे हैं इसको, मतलब ट्रेन को खींच के ले जा रहे हैं। घोड़ा गाड़ी के थ्रू मतलब ये ट्रेन चलती थी वहाँ पर, देखो उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद ऐसी ट्रेन आई होगी। ये देखो एक रेल का डब्बा है या इंजन है, पता चल नहीं पा रहा है। कास्ट इंडिया रेलवे, या आई थिंक रेल का डब्बा ये नीचे लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया रेलवे डबल डेकर थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास का एक रेलवे, रेल का डब्बा है ये। ये देखो पुराने समय का रेल का पूरा इंजन दिया हुआ है यहाँ पर। ये तो इंडिया के ट्रेन के बारे में दुआ है दैन, कि पहले ऐसे था ट्रेन्स और अब ऐसे हैं। ये देखो स्पीड, कोच, फूड, इतना इतना डेवलप हो गया। स्पीड हमारी पहले ये थी, अब ये है। कोच हमारा ये था, अब ये है। फूड हमारा ये था,
अब ये है देख रहे हो, डीलक्स बन गया भाई। टिकट काउंटर पहले ऐसे हुआ करते थे, अब ऑनलाइन हो गया है। सेफ्टी पहले देखो ये कैसे था, अब ये देखो पूरा बहुत बढ़िया विंडो कर दिया। प्लेटफॉर्म देखो कुछ इस तरह से हुआ करते थे गाँव जैसे, अब देखो कितने बढ़िया हो गए डिजिटल। ये देखो किस तरह से पहाड़ों के बीच से टनल बनाई जाती है, सब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में, आई थिंक हाँ दोनों में ही लिखा हुआ है, पढ़ लेना भाई इसको। ये देखो पहाड़ों के बीच से किस तरह से टनल निकाली जाती है, यह है स्ट्रेट लाइन लूप जो मतलब ट्रैक को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेरी शिप TSS हेडिंग, ये पूरा ट्रेन का मैप दिया है कहां से कहां तक कैसे ट्रेन जा रही है, इंडिया के अंदर पूरा फैला हुआ है ना रेल पटरी किस तरह से फैली हुई है। OHE मॉडल, और ये रही यहाँ पर हमारी वंदे भारत। ये देखो रेड लाइट स्टॉप लाइट स्टैंड बिल्डर एंड नंबर प्लेट्स, ये हमारी ट्रेन की नंबर प्लेट्स हैं आई थिंक, सारी लगी हुई हैं देखो कितनी सारी। जो भाई स्टीम वाली हमारी ये होती है ना ट्रेन, उसका इनसाइड का लुक है, ये देखो लिखा हुआ है इनसाइड व्यू ऑफ स्टीम लोको। यहाँ पे कोयले लगे हुए हैं, कोयले से पानी मतलब वो पानी से स्टीम निकलता है, भाप निकलती है, जिस वजह से मतलब पूरा इंजन चलता है। ये देखो कोयले, ये देखो कोयले, बट ढेर सारी यहाँ पर ट्रेन है, बहुत सारा सिस्टम है ट्रेन की, एक एक चीज़ दिखाई हुई है आज तक की, तो भाई सब कुछ तो मैं कवर नहीं कर सकता ब्लॉग के अंदर, बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, फिर आप भी क्लिक नहीं करोगे भाई, कोई फ़ायदा थोड़ी ना। तो भाई कम्प्लीटली आप यहीं पर आके घूमो, बाकी जितना हो पा रहा है मैं दिखाई रहा हूँ। ये ऐसे रास्ते हमको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर की साइड में और चेन्नई की साइड में। भाई मैंने मतलब नॉर्मल एंट्री की टिकट ली थी और जॉय ट्रेन की टिकट ली थी, तो अंदर म्यूजियम के अंदर और भी काफ़ी कुछ था, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ की टिकट मैंने नहीं ली थी। अंदर में खाना पीना आप लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बैठ कर आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी लोग खा रहे हैं बैठकर। पीने के लिए पानी मिल जाएगा अंदर। बाकी बाहर कुछ और मॉडल्स भी रखे हुए हैं, वो सब भी देख लेते हैं। ये देखो कितना बड़ा मॉडल है ट्रेन का। प्लीज़ डू नॉट क्लाइम ऑन एनी एग्जिट, फाइन 500 रुपये भाई, 500 भाई इसका फ़ाइन है अगर हम इसको ऊपर इसके चढ़ के फ़ोटो वोटो क्लिक कराते हैं, बाकी लोग मानने वाले हैं नहीं, करवाते हैं सब। ये जा रहा हमारा ट्रैक जॉय ट्रेन का, बाकी ढेर सारी ट्रेन यहाँ पर लगी हुई हैं। ये देखो कितना बड़ा इंजन है भाई, एक बार आप मुझे बताना ये कि भाई ये मॉडल है या फिर रियल का इंजन रखे हुए यहाँ पर। ये सामने हम देख रहे हैं स्टीम इंजन है यहाँ पर, जैसा कि अंदर मैंने म्यूजियम में आपको दिखाया था। ये देखो स्टीम इंजन कितना बड़ा, ओ भाई जो रेल फैंस हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना स्टीम इंजन आज भी चलते हैं क्या, अब तो इतने एडवांस हो चुके हैं। बाकी ये ट्रैक ट्रैक है ये पूरा, बाकी ये वाली लग रही है बिल्कुल रियल, ये बिल्कुल इसकी हालत देख रहे हो क्या हो रखी है, पूरा लकड़ी की है भाई। तो पूरा लग रहा भाई रेलवे ट्रैक पे चल रहा हूँ, जैसे मतलब पूरा प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ ऐसी फीलिंग आ रही है। यहाँ मैं शांत शांत से रहना पड़ रहा था ना, वो जानवर है इसके अंदर, तो ओ भाई साहब ये मस्त लग रहा है। अच्छा जानवर, ये देखो उनके लिए खाने पीने के लिए सारा सिस्टम, जानवर वगैरह को अगर हमको ले जाना होता था तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेन है। ये भेड़ बकरियाँ हैं, शिप गॉट,
ये देखो तो ढेर सारे मॉडल रखे हुए आज तक के जितने हुए सब, यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो चारों ओर बड़े बड़े ट्रेन के मॉडल्स रखे हुए हैं। मैं कितना आपको दिखाऊं, जो भी मैंने आपको अंदर म्यूज़ियम के अंदर दिखाया था ना, वो सारी ट्रेन्स के मॉडल यहाँ पर रखे हुए हैं, फिर चाहे वो पुराने समय की हो या फिर अब की ट्रेन हो, सारे मॉडल यहाँ पर रखे हुए हैं सब। ये देखो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मैं कब से चलता हुआ आ रहा हूँ इस साइड। अब बगल में ही असली का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो नहीं ट्रैक है असली का, जहाँ से ट्रेन बार बार जा रही है, बगल में ही असली का। और अभी मैं चल रहा हूँ जॉय ट्रेन के पास, क्योंकि टाइम होने वाला है जॉय ट्रेन की स्टार्ट का। वहीं पर ही यहाँ पर ये ऊपर बनी हुई कैंटीन, जिसके अंदर जाके आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। तो भाई वॉशरूम भी हैगा यहाँ पर। तो ये है सामने हमारी जॉय ट्रेन, तो जल्दी से चल के बैठते हैं वरना सीट्स फुल हो जाएंगी, स्टार्ट होने वाली है बस कुछ ही मिनट्स में। ट्रेन के अंदर फिलहाल हम आ चुके हैं, अभी थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हमारी ट्रेन हो चुकी है स्टार्ट, तो भाई ब्लॉग का मतलब एंड होने वाला था कम्प्लीटली, मैं बना चुका यहाँ पे ब्लॉग बस यहाँ पे, लेकिन तैसे मैं जाने की सोच रहा था, तभी हमको जितेंद्र भाई यहाँ पर मिल गए, जानते ही होंगे इनको आप काफ़ी, तो काफ़ी इनके आपने ब्लॉग्स देखे होंगे दिल्ली के, काफ़ी ब्लॉग्स ये बनाते हैं जितेंद्र मौर्य, इनके चैनल का नाम है, सपोर्ट जरूर दिखाना, भाई भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ भाई भी बनाते हैं। तो भाई के चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दो और अच्छी अच्छी कमेंट करना, अच्छी कमेंट इन द सेंस की भाई को मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो भाई लाता रहे। तो यही था आज के इस ब्लॉग के अंदर, उसी के अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर यहाँ के बारे में आपको कुछ भी पूछना है कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आप सभी अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।